ड्राइवर सर जो है वो हमारे खाने के लिए गए हुए हैं और मैं अभी जस्ट खड़ा हूँ। देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे जो राजकोट को कनेक्ट करता है, चोटीला होते हुए हम राजकोट जाएंगे। हम जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, और सुबह पहुँचेंगे अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के आसपास हम वहाँ पर सोमनाथ चले पहुँच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है, हर एक चीज़ डिटेल आपको बताई जाएगी। अभी हमारा यहाँ पर होल्ड है और देख लीजिए सामने एक्सप्रेसवे का व्यू कुछ ऐसा है, देख लीजिए। टिकट प्राइस वगैरह जो भी है वो सब कुछ डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मेरे थ्रू भी मैं आपको बता दूंगा कि इस लग्जरी कोच में कितने फेयर लगने वाला है आपको, कितनी टिकट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल होती है आपको अंदर बुकिंग कराते टाइम पे, आप कितने मतलब सीट्स अवेलेबल होती है वो सब कुछ आपको डिटेल बताई जाएगी। GSRTC की वेबसाइट से भी आप लोग टिकट बुक कर सकते हो और GSRTC की ऐप से भी आप लोग टिकट वगैरह जो है वो बुक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे न्यू वीडियो में। और आज की जो ये हमारी जर्नी होने वाली है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जाने वाले हैं हम, और यहाँ से आज हम जर्नी करने वाले। देख लीजिए पीछे आप लोग देख सकते हो, ये अहमदाबाद का सेंट्रल बस स्टैंड है, पीछे हमारी लगी हुई है मानसा सोमनाथ, ये बस में आज जर्नी करने वाले हैं, लग्जरी बस है। तो अभी जो है ये बस हमारी जो है अहमदाबाद सेंट्रल बस स्टैंड से निकल रही है। जो गाड़ी का जो टाइमिंग था 5:30 पर अहमदाबाद सेंट्रल, ये मानसा से चली हुई है, और अभी जो है फिलहाल ये 1.5 घंटे के आसपास ये गाड़ी लेट है। सिग्नल पे लगी हुई है, सामने आपको देख सकते हो ये हमारा जो है वो गीता मंदिर, यहाँ से हम लोग निकलेंगे राइट की तरफ, राइट की तरफ लोग डाल लेंगे, सीधा पालीडी निकलेंगे। तो बस के अंदर का इंटीरियर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे से देख लीजिए पूरा अंदर बस के अंदर का है, ये आपको मिलेगा पूरा लगेज डिपार्टमेंट। अभी क्या है, बस का जो लेट थी इसकी वजह से मतलब बस में मैं थोड़ा आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन टोटल आपको पीछे से लेके पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि इसमें बुकिंग का प्रोसेस कैसा है, अपन लोगों को भी ट्रैवल करनी है तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी निकल रहे हैं गीता मंदिर से पालीडी के लिए। ये जो है पालीडी का ST बस स्टॉप है, और यहाँ से पैसेंजर बोर्ड करेंगे, अगर रिजर्वेशन होगा तो नहीं है तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट, और गाड़ी ऑलरेडी 1.5 घंटे लेट है इस वजह से। तो अभी हम लोग हैं नेहरू नगर बस स्टॉप, GSRTC का ये नेहरू नगर बस स्टॉप है, अभी हम लोग हैं सिटी के अंदर। देन अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ पे रिजर्वेशन जो इनका था वो अभी आ रहे हैं, देन इसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट सोमनाथ के लिए।
NH 47 जो डायरेक्ट सीधा ये राजकोट को कनेक्ट करता है। और देख लीजिए सामने एक लगी हुई है मानसा बेट द्वारिका, ये जाएगी, और ये सामने लगी हुई है मानसा सोमनाथ। तो ये लग्जरी कोच में है, वो स्लीपर और सीटर दोनों है। तो वो द्वारिका जाएगी, ये सोमनाथ जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे 10 मिनट का होल्ड है टी ब्रेक और फ्रेश वगैरह होने के लिए। अहमदाबाद से हम चले थे, 5:30 का टाइम था। मानसा सोमनाथ जो ये बस हमारी लग्जरी कोच में थी, इसका टाइम 5:30 का था, बट ये बस हमको 6:45 के आसपास ये बस हमको मिली है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे जैसे लेट हैं, 1.5 घंटे से ज़्यादा हम लोग लेट हैं। फिर भी हमने ज़्यादा अच्छा कवर किया। मैं आपको थोड़ा कुछ अंदर नहीं बता पाया क्योंकि बस प्लेटफॉर्म पे आई और तुरंत निकल गई 1-2 मिनट के अंदर ही, तो इस वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं आपको बताते जाता हूँ। तो देख लीजिए पहले हम लोग गीता मंदिर से निकले पालड़ी, पालड़ी के बाद फिर नेहरू नगर, नेहरू नगर के बाद फिर सीधा हम लोगों ने अहमदाबाद से जो हमारा एक्सप्रेसवे NH 47 जो सीधा राजकोट को जो कनेक्ट करता है वो सीधा हम पकड़े हैं। और अभी हमारा देख सकते हो पीछे लगी हुई है मानसा सोमनाथ, तो और इस साइड में लगी हुई है मानसा द्वारिका। तो ये हमारी कुछ आज की जर्नी रहने वाली है। सौराष्ट्र की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, वो भी हमारे GSRTC गुजरात राज्य परिवहन की बस से। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू रख, बार रूट बोर्ड देख लीजिए मानसा सोमनाथ। तो कुछ जैसी जर्नी रहने। पीछे बसेस लगी हुई है, पीछे होटल भी है। यहाँ पे ड्राइवर सर जो है वो हमारे खाने के लिए गए हुए हैं और मैं अभी जस्ट खड़ा हूँ। देख लीजिए ये नेशनल हाईवे जो राजकोट को कनेक्ट करता है, चोटीला होते हुए हम राजकोट जाएंगे। तो कुछ ऐसा रूट रहने वाला है, राजकोट फिर जूनागढ़। अभी हम लोग लिमड़ी को क्रॉस किया, लिमड़ी से क्रॉस करके 45 मिनट की जो जर्नी है वो कम्प्लीट करके हम लोग ने यहाँ पर होल्ड लिया है खाना खाने के लिए। हमें ड्राइवर सर और कंडक्टर सर गए हैं। तो देख लीजिए कुछ ऐसा आज का रूट हमारा रहने वाला है। हम जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और सुबह पहुंचेंगे अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के आसपास हम वहां पे सोमनाथ चले पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है, हर एक चीज़ डिटेल आपको बताई जाएगी। अभी हमारा यहाँ पर होल्ड है और देख लीजिए सामने एक्सप्रेसवे का व्यू कुछ ऐसा है। देख लीजिए गाड़ी की आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी और 20 मिनट का होल्ड है यहाँ पे। यहाँ से अब हम निकलेंगे डायरेक्ट चोटीला होते हुए डायरेक्ट राजकोट, राजकोट के बाद फिर हम डायरेक्ट आएंगे जूनागढ़, जूनागढ़ होते हुए फिर हम केशव, फिर ऐसे होते हुए हम सोमनाथ जाने वाले हैं। तो देखिए कितना टाइम लगता है, कितने बजे पहुँचते हैं, टिकट प्राइस वगैरह जो भी है वो सब कुछ डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मेरे थ्रू भी मैं आपको बता दूंगा कि इस लग्जरी कोच में कितने फेयर लगने वाला है आपको, कितनी टिकट कितनी सीट्स अवेलेबल होती है आपको अंदर बुकिंग कराते टाइम पे, आप कितने मतलब सीट्स अवेलेबल होती है वो सब कुछ आपको डिटेल बताई जाएगी। GSRTC की वेबसाइट से भी आप लोग टिकट बुक कर सकते हो और GSRTC की ऐप से भी आप लोग टिकट वगैरह जो है वो बुक कर सकते हो। तो पीछे हमारी बस लगी हुई है, अब यहाँ से हम लोग जर्नी कंप्लीट करके निकलने वाले हैं आगे। देख लीजिए ये रही मानसा सोमनाथ, अभी हम लोग राजकोट का बस स्टॉप है, ये देख लीजिए यहाँ पे रुके हुए हैं। 5 मिनट का होल्ड है, देन इसके बाद हमारी बस जो है वो निकलेगी यहाँ से राजकोट बस स्टॉप से। देख लीजिए ये लगी हुई है GSRTC की बस जो है पीछे हमारी लगी हुई है। आपको रूट बोर्ड एक बार दिखा दूँ, मानसा सोमनाथ और पीछे ये रही जो यहाँ से वेट द्वारिका जाने वाली है। तो कुछ ऐसा रूट रहने वाला है देख। और अब इसके बाद डायरेक्ट हमारी जो बस है ये राजकोट से निकलेगी, राजकोट बस स्टैंड देख लीजिए ये पीछे 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं आगे अपनी जर्नी जो है वो जूनागढ़ के लिए। जूनागढ़ के बाद हम आगे बीच में जो भी स्टॉप आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं राजकोट। तो राजकोट
से हमारी बस निकल गई है बस स्टॉप। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं सोमनाथ। देख लीजिए पीछे हमारी बस लगी हुई है और ये सामने जो आप लोग देख रहे हो ये पार्किंग जो है वो सोमनाथ का है टेम्परेरी बेस पे अभी जो बना है। इसका जो जीएसआरटीसी का जो जो स्टैंड था वो मंदिर के जस्ट आगे राइट साइड में था, बट अभी वो जो है रिन्यूअल का काम चल रहा है इसलिए ये टेम्परेरी बेस पे यहाँ पे पार्किंग रखा हुआ है। प्राइवेट भी पार्किंग यहाँ पे बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पे आके, और आप पर्सनल व्हीकल लेके भी आ सकते हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग की स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो ये थी कुछ आज की जर्नी हमारी। 5:10 यानी 1.5 घंटे हम लोग लेट हैं, गाड़ी हमारी लेट हुई थी वो आप लोग सभी को पता है। तो फाइनली हम लोग अभी सोमनाथ पहुंच चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये जर्नी में जितना भी मेरे से हो सका वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। टिकट का जो प्राइस था वो 325 रुपये के आसपास यहाँ पे टिकट का प्राइस था, वो भी लग्जरी कोच में। स्लीपर में आप जाओ आते हो तो आपको थोड़ा जीएसआरटीसी में थोड़ा ज़्यादा लगता है, 400 रुपये के आसपास आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये थी आज की कुछ हमारी जर्नी और आप लोग देख लीजिए अभी हम लोग फ़िलहाल है सोमनाथ के पार्किंग स्पेस में कि कैसे यहाँ पे विजिट कर सकते हो, कहाँ पे क्या है, होटल वगैरह जो भी है वो सब मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आप सभी को कुछ बहुत कुछ जानने को ट्रैवल के बारे में मिला होगा, ट्रैवलिंग के बारे में अहमदाबाद से सोमनाथ तक के लिए। जो हमारी बस थी वो मानसा सोमनाथ थी, मानसा से चली थी, मेरा बोर्डिंग पॉइंट था अहमदाबाद, अहमदाबाद से मैं चला हूँ
और अभी मैं सोमनाथ 5:10 में पहुँचा हूँ। 1.5 घंटे के आसपास हम लेट थे, तो आई होप कि आप सभी को ये जर्नी में मज़ा आया होगा। अगर जो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। टेम्पल विजिट कर लिया और अंदर का फ़ोटो वगैरह तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन जमा हो जाता है, जो भी लेके जब आप लेके आते हो, बैग वगैरह आपके साथ हो, इलेक्ट्रिक वस्तु हो, तो वो सब आपको जमा हो जाता है। पहली बात, अगर जो आप लोग GSRTC से आते हो तो सबसे पहले आपको सुबह में अगर जो यहाँ पे पहुँचते हो मॉर्निंग में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद आप होटल ले सकते हो। होटल आपको 500 से 700 रुपये में आपको धर्मशाला अच्छे से मिल जाएगा। देन इसके बाद आप सीधा यहाँ पे जो है डायरेक्ट नहा धो के फ्रेश होके टेम्पल विज़िट करने आ सकते हो। और पहले बता दूं कि आपको यहाँ पे लॉकर में सब कुछ जमा करना पड़ेगा, बैग वगैरह जो भी लगे जो आपका वो। देन इसके बाद वहाँ से अंदर एंट्री होती है और वहाँ से चेकिंग वगैरह होती है, फिर अंदर आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हो। देन इसके बाद यहाँ से एग्ज़िट होगे और वहाँ से अपना सामान वगैरह कलेक्ट करने के बाद आगे आप फिर आगे चल सकते हैं घूमने के लिए। तो ये था यहाँ पे सोमनाथ में कुछ ऐसा है, यहाँ पे दर्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ पे आओ, आपको आराम से 1 से 2 घंटा आप लोगों का टाइम जो है यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर लोगे, ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। ये टाइम पे तो फ़िलहाल अभी मंदिर में भीड़ वगैरह नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे और यहाँ से हम लोग चलते हैं बीच की तरफ और वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो बस आज कुछ इतना ही था, तो चलते हैं, दर्शन वर्शन कर लिया और यहाँ से निकलते हैं आगे हम बीच। देख लीजिए, ये मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो सोमनाथ जो वाला जो ये बीच है। यहाँ पे आपको ऊँट वगैरह भी मिल जाएंगे, ऊँट राइड्स हो गया, वहाँ पे नहाने के लिए भी थोड़ी बहुत है, पन इतना स्पेस है फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए, हर एक चीज़ है, थोड़ी एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ से। और ये सामने हनुमान जी की प्रतिमा है और यहाँ पे वॉकिंग के लिए भी बनाया हुआ, सीधा मंदिर तक आप लोग जा सकते हो। देख लीजिए पीछे पूरा कुछ ऐसा है, 5 रुपये टिकट फेयर है इधर आने का।